Hi. Yes, ma'am? This one, please. This one? Yeah, sure. Thank you. You're welcome. अरे अरे क्या कर रही हैं आप? देखिए ये चश्मा भले ही कितना खूबसूरत क्यों ना हो, आप इसे पहनकर देखिए, ये ज़्यादा सूट करेगा, प्लीज ट्राई कीजिए, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज। ओके। ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, दिस इज़ ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक बात कहूँ, अगर गुरुदत्त जी जिंदा होते ना जी, तो आपको लेकर दोबारा चौधरी का चांद बनाते, पैक कर दीजिए। हाउ स्वीट। अरे रे 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 रे, क्या कर रही है, देखिए माफी चाहता हूँ, ये कपड़ा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप ये पहन कर देखिए। अरे दैट्स ब्यूटीफुल। या आप ट्राई कीजिए ना, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर राज कपूर जी जिंदा होते ना, तो आपको लेकर दोबारा सत्यम शिवम सुंदरम बनाते जी। मेरा मतलब है कि इन कपड़ों के साथ। आप ट्राई कीजिए ना प्लीज। ओके थैंक्स। पैक कर दीजिएगा ये। अरे अरे क्या कर रही हैं आप, कमाल जी आपको देख लेते तो कितना नाराज हो जाते हैं मालूम है? कमाल कौन? अमरोही जी, पाकिस्तान फिल्म बनाई थी जिन्होंने। रियली? क्यों? आपको देखकर वो अपने हीरो को डायलॉग देते कि तुम्हारे पांव बहुत ही खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर नहीं इन सैंडल्स में रखो और भी खूबसूरत नजर आएंगे। या देखिए कितने खूबसूरत। कमाल की बात है, आपने जो कुछ भी बेचने की कोशिश की मैंने सब कुछ खरीद लिया। यू आर अ गुड सेल्समैन। वैसे मैं पेशे से वकील हूँ। Really? क्या बात है? राज मल्होत्रा, BLLB. Very nice. वैसे मैं अपने लिए, nice to meet you. मैं अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए आया था, आपको गलत सामान खरीदता हुआ नहीं देख सका। But I'm really sorry. मैंने आपको सेल्समैन समझ लिया। कोई बात नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। जी हाँ, मैं क्या कोई भी धोखा खा सकता? अच्छा तो आप मान रहे हैं कि मेरी शक्ल ऐसी है? Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Okay. अब तो जा रही है, मगर मैं आपकी जिंदगी में बुढ़ापे की तरह आऊंगा, जो एक बार आता है और उसके बाद आता ही जाता है। राज, सपने में तू कुछ भी देख ले, लेकिन हकीकत में तेजपाल की बेटी से तेरी शादी हो ही नहीं सकती। अरे अगर उसकी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं जान दे दूंगा, गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, उसके आ क्या जाऊंगा मैं, गाड़ी के नीचे आ गया। राज, राज के तू क्या कर लेटा यार? और कर लेटा ने मैं कर बैठा। भाई साहब ये सब कैसे हो गया? अरे चल चल, अरे कुछ नहीं, गाड़ी तेज आ रही थी ना, दो हड्डी टूटी होगी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप चलिए चलिए जल्दी कीजिए। राज, राज तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठता हूँ। पीछे क्यों बैठ रहा है? मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। नहीं, आप बैठ जाइए, भाई साहब बाद में बात करेंगे, चलिए चलिए चलिए। मैं अकेला जाऊंगा हॉस्पिटल। राज तू चिंता नहीं करना, बैठिए बैठ गई, दरवाजा बंद कर लीजिए। आपको दुख नहीं रहा है? कर रहे हो क्या, तोड़ रहे हो, चोट यहाँ लगी है तो दर्द वहाँ कैसे होगा? सो सॉरी, ऊंचा करो। आस्ते, अरे घबराने की कोई बात नहीं, ये तो मामूली सी चोट है, मैं दो दिन की दवाई लिख देता हूँ, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हैं, तुम्हारा नाम बताओ फटाफट। राज मल्होत्रा। देखो मैंने दो दिन की दवा लिख दी है और इसे सुबह शाम। ये क्या, ये बैसाखी किस लिए? चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, पैसा भर रहा हूँ फिर भी पूछ रहे हैं बैसाखी किस लिए? कमाल है, चोट पाँव में लगी है, सर पे लगी है? मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। ओह माय गॉड, आप गए नहीं? आपको क्या हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। 15 दिन? आप मेरी वजह से इन बैसाखियों पर। आपकी वजह से नहीं, मेरा ही कोई पाप आड़े आ गया होगा मेरे। नहीं, गाड़ी तो मैं तेज चला रही थी, आई एम सो सॉरी। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ ना? जी। सजा भुगतना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? प्लीज मुझे नीचे टैक्सी तक छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप, मैं अपनी गाड़ी में आपके घर। आई। संभल के। हाँ एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अरे अरे अरे, संभल के, रुक जाइए। नहीं, मैं संभाल लूंगी। आइए, यहीं ऊपर रहते हैं? जी हाँ। अच्छा, संभल के। कोई बात, आइए। काफी तकलीफ उठानी पड़ी, यहाँ बैठिए। बैठ जाइए। एक मिनट। हाँ, ये तस्वीर? जी ये मेरे गुरुजी की तस्वीर है। मगर मैंने तो आपको इनके साथ पहले कभी नहीं देखा। जी मैंने भी इनको कभी नहीं देखा, मगर ये हमारी वकालत की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। इनके केस को स्टडी किए बगैर कोई आदमी वकील बन ही नहीं सकता। जी मगर आप इनको कैसे जानती?
ये मेरे डैडी है। डैडी? पाँव कहाँ है? क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए प्लीज। गुरु नहीं तो कम से कम गुरु पुत्री के ही पाँव छू लूं। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, आप ठीक हो जाइए, मैं आपको अपने डैडी से मिलाऊंगी। मैं इनसे मिल सकूंगा? ऑफ कोर्स। He will meet me? Of course he'll meet you. Oh, मतलब, how sweet of you. नहीं, आप बैठिए ना। No problem. Please. आज नहीं, फिर कभी, मैं फिर आऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। आओ मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। Okay, मैं चली जाऊंगी। नहीं, are you sure? Okay, thank you, bye. See you. Bye. Bye. अब देखिएगा जनाब, इस बैसाखी को पकड़ के उस बैसाखी के सहारे अगर मैंने आपको अपनी बैसाखी ना बना लिया तो मेरा नाम भी राज नहीं, नमस्ते सर। नमस्ते। वो आपसे थोड़ा काम था। क्या? वो नवजीवन सोसाइटी का केस आप ही लड़ रहे हैं ना? तो वो केस हमारे खिलाफ है सर, हम वहीं के टेनेंट्स हैं। तो मैं क्या करूं? देखिए वैसे भी कोर्ट में केस लड़ने की हमारी ताकत नहीं है और आपके सामने केस जीतना बहुत ही मुश्किल है। अगर इतनी अकल है तो केस क्यों लड़ रहे हो? घर क्यों नहीं खाली करते? देखिए हम घर खाली कर देंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? मुझसे पूछ के मुंबई आए थे, अब आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। देखिए देखिए ऐसा मत कीजिए वकील साहब, देखिए भगवान ने आपको तो इतना खुश दे रखा है, पैसों के खातिर हमारे सर से हमारी छत मत छीनिए, आप हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। अगर हाथ जोड़ने हैं तो मंदिर जाके जोड़िए, पर अब तो भगवान भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए देखिए बात तो सुनिए। एक मिनट जीजा जी, ये लोग आपके पास इतनी आस लेकर आए हैं और आप इनकी मदद करने की जगह इन्हें धुतकार रहे? क्योंकि मैंने ऑपोजिट पार्टी का केस अपने हाथ में ले लिया। लेकिन गलत लोगों को जितवाना तो ना इंसाफी है। अच्छा तो तुम इन्हें इंसाफ दिला दो ना, मैं भी देखता हूँ आज की तारीख में सच्चाई के लिए सच्चाई के बलबूते पर कौन लड़ता है। जीजा जी ऐसे एक आदमी को मैं जानती हूँ जो आज की तारीख में सच्चाई के बलबूते पर न सिर्फ लड़ सकता है जीत भी सकता है। Wish you all the best. आप बेफिक्र रहिए, आपका घर घर है, कोई चिड़िया का घोंसला नहीं जो अपने घर की सफाई में कोई निकाल कर फेंक दे। आप देखिए मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, वैसे मेरे सामने केस लड़ कौन रहा है? मेरे जीजा जी आप अपनी कंपनी को मुझसे क्यों हरवा देना चाहती हैं? तो क्या हुआ, महाभारत में भी तो पांडव अपने भाइयों से लड़े थे। यू आर राइट, और वैसे भी महापुरुषों का यही कहना है कि सच्चाई के लिए कोई भी चीज छोड़ी जा सकती है मगर किसी भी चीज के लिए सच्चाई को छोड़ा नहीं जा सकता। आई विल विन दिस केस। मिस्टर आनंद महात्रे, आप जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह आपने कब और कितने में खरीदी? 1977 में, 25,000 रुपए पगड़ी पे। मतलब आपने खरीदी नहीं थी, उस जगह पे आप किराए पे रह रहे हैं। मिस्टर वचानी कौन है? वो तो बिल्डर है, मेरा मतलब मकान मालिक। और उन्होंने जगह खाली करने की आपको कितने पैसे की ऑफर दी? 2.5 लाख रुपए। मतलब 10 गुना ज्यादा जितने आपने पैसे दिए थे उसे। अब महंगाई भी तो बढ़ गई है सर। आखिर आप चाहते क्या मात्रे साहब? घर के बदले घर। अच्छा ये बताइए आज आप कोर्ट कैसे पहुंचे? टैक्सी में। कोर्ट पहुंचने के बाद आपने टैक्सी का क्या किया? किराया दिया और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उस पर कब्जा क्यों नहीं किया? उसके मालिक क्यों नहीं बन गए? उसे घर क्यों नहीं ले गए? किराए के टैक्सी का मालिक कैसे बन सकता? एग्जैक्टली योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए, इन्होंने खुद कहा है कि किराए की चीज का मालिक नहीं बना जा सकता, फिर ये किराए के मकान के बदले में मकान कैसे मांग सकते हैं? मेरे क्लाइंट ने इन्हें 2.5 लाख रुपए का ऑफर दिया है, ये तो इनकी दरिया दिली है। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिले। दैट इज ऑल योर ऑनर। डिफेंस को कुछ कहना है? राज, गो, गुड लक। चल चल छुट्टी करते सबकी। डिफेंस कुछ कहेंगे? गेट अप, गेट अप, गेट अप। सर मिस्टर मल्होत्रा, आर यू आर राइट? Sir.
मिस्टर मल्होत्रा, आई थिंक कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ दवा लीजिए। यस सर। कोर्ट इज अर्जेंट फॉर लंच। Forget about it. बैठ जाओ। राज, अगर अंदर है तो बाहर करना। सोचने की कोशिश करो। ओ यार, मैं पहली बार केस लड़ा था, मुझे तो डायरिया हो गया था। बोलिए ना। हाँ, सोचने की कोशिश करो। हाँ, हम कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं। राज, तेरे को हो क्या गया तेरे को यार? यार मेरे को हेडेक कर दिया तूने। क्या हो गया? I can do it. हाँ, तो मिस्टर वाचा नहीं। अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? प्लेन से। मान लीजिए आप प्लेन से जा रहे हैं, रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, आपको जयपुर उतर कर ये कहा जाता है कि आप डबल पैसे ले लीजिए, मगर आप किसी ट्रेन, टैक्सी या बस का बंदोबस्त कर लीजिए तो आप जाएंगे? नहीं। क्यों? मैंने प्लेन का टिकट खरीदा है, मैं एसटी से क्यों जाऊं? एयरलाइंस को मेरे लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं, आपके लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एयरलाइंस वाले पैसेंजर को बीच सफर में कैसे छोड़ सकते हैं? माय लॉर्ड, अगर मुंबई से दिल्ली के बीच के सफर में किसी को मझधार में छोड़ा नहीं जा सकता, तो जिंदगी के सफर में किसी को बीच मझधार में कैसे छोड़ा जा सकता है? मिस्टर वाचानी, आपने तो सिर्फ इन्हें चूने और ईंट से बनाया हुआ मकान दिया था, मगर उसे घर बनाया इन्होंने। अपनी भावनाओं से, अपने जज्बात से उसके साथ जुड़े हुए हैं। इनके बच्चों के पैदा होने की खुशियां, इनके बुजुर्गों के गुजरने का गम, इनकी बेटी की विदाई की यादें, इनके बेटे की शादी की शहनाइयों की गूंज। और सर, दुनिया की कितनी भी दौलत इन खुशियों के सामने रख दी जाए तो इनका मोल नहीं चुका सकती। तो फिर किसी भी एक इंसान को पैसे कमाने के लालच में किसी दूसरे इंसान का घर छीनने का हक कैसे दिया जा सकता है? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। राज, बड़ा बच्चा आदमी है। क्या कर रहा है? कोर्ट है यार, गले लग जा। वकील साहब, आपने सिर्फ ये केस नहीं जीता है, बल्कि हम सबके बच्चों के घरवालों को उजड़ने से बचाया है। देखिए, हम इसकी फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन ये थोड़े से पैसे हैं, हम सब की दुआएं समझ के रख लीजिए। देखिए, दुआएं पैसों से नहीं तोली जाती, मगर फिर भी इस केस की जीत की यादगार के बतौर मैं ये 500 रुपए का नोट रख लेता हूँ। थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी। मेरी पहली कमाई। सत्यमेव जयते, पर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि जीत मेरी नहीं, तुम्हारे विश्वास की है। तुमने इस लड़ाई के लिए मुझे चुना। आगे जब भी मैं सच की लड़ाई लड़ूंगा तो तुम्हें याद करूंगा, और तुम इसी तरह से मुझे हिम्मत देती रहना। राज, राज, ये रजत है, फ्रीलांस रिपोर्टर। Hello. अपने प्रोग्राम में अच्छे अच्छे कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ा के रख देता है। और रजत, ये है राज, मेरा दोस्त, होशियारपुर का सबसे होशियार वकील। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करो और इनका इंटरव्यू लो, क्योंकि आज इन्होंने बहुत बड़े वकील के खिलाफ मुकदमा जीता है। अपना बच्चा है यार। जी नहीं, ये मेरा दोस्त है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि किसी कोर्ट के फैसले के बाद मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सका। थैंक यू सर, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। अपनी जीत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दरअसल ये केस मैंने कानूनी दांव पेच या किताबों में लिखी दफाओं से नहीं लड़ा, ये केस मैंने दिल से लड़ा है। और मैं ये मानता हूं कि जो भी चीज जिंदगी में दिल से की जाती है वो अक्सर कामयाब होती है। बेटा, एक हफ्ते के लिए दिल्ली क्या गया? मेरा ऑफिस केस हार गया, वो भी कल के एक छोकरे से। डैडी, यू शुड हैव बीन देयर। उसने जो आर्गुमेंट दी, आई मीन जज के सामने जो स्पीच दी, अपने जीजा जी भी कुछ नहीं कर सके। रियली? डैडी, वो आपका सच्चा शागिर्द है, एक लव्य की तरह आपकी तस्वीर की साधना करता है। He really loves you. उसे कल ऑफिस भेज देना, मैं इस एक लव्य से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे अर्जुन को हरा दिया। सर, मैं कमिंग सर। या या, कमिंग कमिंग। थैंक यू वेरी मच सर। सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। ये क्या कर रहे हो भाई? सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरा यकीन मानिए कि नील आर्मस्ट्रांग को भी चांद पर पहला कदम रखते हुए इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी आपके इस कैबिन में पैर रखते हुए मुझे हुई है। आई एम राज सर। राज? हाँ सोनम, तुम्हारे बारे में बता रही थी भाई, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पैर छोड़ो भाई। जी सर, जी जी। ओके ओके ओके। बेटा कुछ खाओ, खाओ खाओ बेटा। नहीं सर, मेरा सोमवार है। सोमवार मतलब? आई मीन फास्टिंग सर। तुम इन बातों में यकीन रखते हो? सर, मेरा यकीन सिर्फ देवी देवताओं को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान की आबादी के 50 करोड़ अमीर लोग अगर कभी कभी अपना एक वक्त का खाना छोड़ दें तो 25 करोड़ गरीब लोगों को दो वक्त का खाना मिल सकता है। इट्स ब्रिलियंट।
इट्स ब्रिलियंट सोनम, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, बता रही कि तुम केस कमाल के लड़ते हो। सर ये भी आप ही की तारीफ है सर। मेरी? जी सर। कैसे? सर मैं लॉ कॉलेज के दिनों से ही आपके जीते हुए केसेस की रेफरेंसेस लेता आया हूँ, यहाँ तक कि आपके इस केस में भी। मैंने आपके 82 के जीते हुए कालेकर और खन्ना का रेफरेंस लेकर ही ये केस जीता। मतलब तुमने मेरे केसेस के रेफरेंसेस को लेकर मेरे शिष्य को हरा दिया। सर आखिर एक शिष्य में और एक भक्त में फर्क होता है सर, और मैं आपका भक्त हूँ। Oh my God, oh my God, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ भाई। Sir, you don't have to give me offer, you just order me, sir. I don't believe this. Wait a minute. देखो कहाँ गए? कहाँ गए? यहाँ से। मैं एक सोशल सर्विस सेंटर चलाता हूँ, जहाँ पर गरीब लोगों को ऐसी एडवाइस देता हूँ। Yes, sir. वहाँ पर तुम्हारे जैसे होनहार और दिल के साफ इंसान की जरूरत है। जी, जी. तुम 2-4 घंटे निकाल के वहाँ पर मदद करो, वहाँ तुम्हें पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन दुआएं बहुत मिलेंगी। I will definitely do the needful, sir. Okay. और मैं आज शाम को join कर लेता हूँ। Okay. प्रणाम। Okay. अरे, okay. कोई है? Oh. अलग कोई भी आदमी ऐसे बड़ा आदमी नहीं बन जाता। गजब का शुरू आदमी है यार। फोकट में ही काम करा लेना चाहता है। और ससुर ने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तेरा उपवास है तो दूध पी ले, फ्रूट खा ले। अरे भाई पानी पूरी लगाना भाई। जी सर। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊँ और मुझ पे पानी मारना पड़े, पानी पूरी खा लो तो बेटर है ना। ये लीजिए। अरे एक मिनट गाड़ी रोको। अरे राज बेटा। अरे अंकल आइए आइए, आप भी पानी पूरी खाइए। लेकिन तुम्हारा तो आज उपवास है ना? उपवास है नहीं अंकल, उपवास था लेकिन मुझे मजबूरन तोड़ना पड़ा। तोड़ना पड़ा? हाँ, इस बेचारे गरीब की बीवी बीमार है और मैंने जब इसे कहा कि तुम उससे मदद ले लो तो इसने नाक कर दी। बड़ा खुददार आदमी है, कहता कि मेरी बीवी मर जाएगी लेकिन मैं भीख नहीं लूंगा। मैंने इसे कहा कि अगर तुम खुददार हो तो मैं भी खुददार हूँ, आज मैं तुम्हारी सारी पानी पूरियां खा जाऊंगा लेकिन तुम्हारी बीवी के इलाज के खर्चे का सारा पैसा मैं भर के दूंगा तुमको। तुम अकेले नहीं हो दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी लगाना भैया एक प्लेट। अरे और सुनो, सब ठीक हो जाएगा, घबराना मत। 25-30 लगाना प्लेट है। 25-30? ऐसा ना हो कि इसकी बीवी ठीक हो जाए और हम बीमार पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा सर, जिनकी नीयत साफ उनका पेट साफ। चीयर्स। हाँ चीयर्स। भाई कमाल का लड़का है राज, यकीन ही नहीं होता कि आजकल के जमाने में ऐसा आदर्शवादी लड़का भी हो सकता है। बहुत ही ईमानदार और नेक लड़का है। मैं सोच रहा हूँ कि किस दिन इसको खाने पे बुलाया जाए। Huh? That's great. Let's do that. Okay. अरे हॉर्न मारो ना भाई, ये कौन चल रहा रास्ते के बीच में? Dad, I think that's Raj. हाँ राज। What a pleasant surprise. Hi, how are you? Hi. यहाँ कैसे भाई? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस सर मैं अपने क्लाइंट के पास आया हुआ था। अच्छा, हमारे मोहल्ले में भी क्लाइंट ढूंढ लिया। कौन से घर पे आए थे भाई? जी वो अपना सामने ग्रीन वाला है ना। अच्छा, आपने चतुर्वेदी साहब का घर? That's right, that's नहीं right. वो ग्रीन के बस पीछे ही जो है ना, वो लाल वाला। अच्छा, वो तो किसी खुराना साहब का घर है, मगर वो तो एनआर है, यहाँ कभी कभी आते हैं। तभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मतलब उन्होंने अपने केसेस हैंडल करने के लिए मुझे सुकून वाली जगह दे रखी कि मैं इत्मीनान से उनके केसेस हैंडल करता हूँ। अनबिलीवेबल, उसके तो बिल्कुल बाजू वाला बंगला हमारा है। Oh, wow. अब आप हमेशा हमारे नजरों के सामने रहेंगे। यकीन मानिए मैं भी यही चाह रहा था। वैसे भी कल इनसे मिलने के बाद मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि पता नहीं भगवान इस महापुरुष के दर्शन दोबारा कब कराएंगे। महापुरुष मैं हूँ। और उन्होंने सुन ली मेरी, आज मुलाकात हो गई। आजकल भगवान बहुत सुन रहा है मेरी, जो मांगता पट से मिल जाता है। कहिए आपके लिए कुछ मांगू? बेटे भगवान का दिया सब कुछ है, बस इसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा मांगू। सर समझिए इनको दूल्हा मिल गया। रियली? या तो मैं तुम्हें कुराना साहब के घर तक छोड़ दूं। खुराना? अरे खुराना जिसके घर पर तुम जा रहे हो। ओ, खुराना ओ, जी सर मैं चला जाऊंगा, मैं पद यात्रा करते करते कुछ सोचते सोचते चला जाऊंगा। यू प्लीज कैरी ऑन सर। सर शाम की चाय हो जाए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय 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 बाय। सी यू टुनाइट। ओके लेट्स गो लेट्स गो। बाय 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 बाय। कम ऑन कम ऑन हरी अप। बाय बाय। थैंक यू गुड बाय गुड बाय। ए, रुको रुको रुको, शट अप। कोई गेट पर क्यों नहीं है? सब लोग अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ कहाँ रहते हो तुम लोग? हम तो पीछे रहते हैं। पीछे? तुम्हें पगार पीछे रहने की मिलती है आगे रहने की? खुराना साहब को बोल के छुट्टी करवा दूंगा सबकी। सुबह से फोन कर रहे हैं, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा आप लोग? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बंगला खोलो, मैं उनका वकील हूँ। और सुनो, कोई नौकर है कि नहीं अंदर? हाँ है। उसे कहो कि मेरे नहाने वाने का बंदोबस्त करे और मेरे खाने का बंदोबस्त करे। तेरे पास पैसे है कि नहीं? हाँ खुराना साहब दे गए थे। बताया उन्होंने मुझे। ये पकड़ो बैग। जी चलो, सब वहाँ खड़ा रह करो गेट पर। तुम चलो। जी। वाह क्या बंगला है, और इस बंगले के मालिक का नाम है खुराना।
अब मेरा क्या बिगाड़ लेगा जमाना।